की बदबू आ रही है, बड़े प्यार कर रही है। सेम टू यू। खैर आज औरतों का शो है, कितनी अच्छी है, लग रही है सब औरतें, और एक साथ सारी औरतों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई नो। लेकिन ये जो मर्द होते हैं ना सर, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। बिना सर देखा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, फिर भी मुझे देखे। अब उन्होंने आंख मारी वो मैं बता नहीं सकती। खैर ये जो मर्द होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं। अभी इनके सामने चाहे छोटे कपड़े वाली लड़कियां डांस भी कर देंगी ना ऐसे ऐसे करके, साथ में बीवी बैठी होगी, मजाल है फेस पे कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, ऐसे रहेंगे। अपनी वाइफ को दिखाएंगे कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना मजा ले रहे होते हैं ना, इनका कभी पैर देखा करो, पैर से पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी मर्द जाता है, अरे वाह सर आपकी अदालत, कहीं मुझे ना बुला ले अगले हफ्ते। ये जो मर्द होते हैं जितने मर्जी ऊपर से ऐसे बन के बैठ रहे हैं, अगर ऐसी लड़कियां छोटे कपड़ों में डांस करती हैं, अब मर्द जाता है चीख तो अंदर से ही निकल आती है। बाद में याद आता कि साथ में तो एटम बम बैठा हुआ है, फिर बात कैसे पलटते हैं। क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं इसलिए चिल्लाया था, मेरे कहने का मतलब था कि दीदी अच्छा डांस कर रही है, बहन जी अच्छा डांस कर रही है। लेकिन आजकल की हमारी बहने वो भी बड़ी चालाक हो गई है। ये देखिए अच्छी अच्छी साड़ियों में जो अपने अपने पतियों के साथ ऐसे करके बैठी है ना। हाँ मनीष तुम क्या समझ रहे हो, ये मैनर्स है, तरीके है? मेरे को तो यही पता। बिल्कुल भी नहीं, ये एक्चुअली जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी और बहने ऐसे करके बैठी है ना, एक्चुअली उन्होंने भाई साहब के पेट पे ये कूनी सेट की हुई है ऐसी करके कि जिधर भी ये छोटे कपड़ों वाली लड़की को देख के उछलेगा सीधा इसके गुर्दे पे। तो आई एम सॉरी मुझे चक्कर आ गए। नहीं नहीं एक्चुअली पिछले 10 मिनट से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मैं थोड़ा सा कुछ खाकर आती हूँ। तब तक जैसे मैंने तुम्हें समझाया था ना वैसे करना, समझे? हाँ जी। और तुम थोड़ा इससे दूर रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती।